नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं एक नए रिक्रूटमेंट की तरफ। ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जहां पे लगभग 459 पदों की ये वैकेंसी बताई गई है। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं करते हैं तो वीडियो यहीं छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जिस छात्र के लिए एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं वो छात्र इसके लिए आवेदन करें और उनको यहाँ पे नौकरी मिल सके। तो दोस्तों लेकर चलते हैं सबसे पहले उन सबके अपडेट पे। लेकिन छोटा सा रिक्वेस्ट और कि चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों अगर हम बात कर ले यहाँ पे उस वैकेंसी की, तो उस वैकेंसी में जो अपडेट दिए गए हैं दोस्तों हम आपको दिखलाना चाहेंगे। अगर आप दोस्तों यहाँ पे अपडेट है 10वीं+12 यानी कि 10वीं 12वीं पास हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह ड्रॉटमेंट की वैकेंसी है, 43 पदों की ये टोटल वैकेंसी है। इसके बारे में सारा ऑफिशियल अपडेट देंगे ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। यह दोस्तों आप सभी को बता दें कि इसमें अगर आपने ट्रेड सर्टिफिकेशन लिया है यह ड्रॉटमेंट में सिविल में, तो आप आवेदन बिल्कुल कीजिएगा। या तो आप सिर्फ 12वीं पास हैं तो आप ड्रॉटमैनशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे सुपरवाइजर स्टोर का। सुपरवाइजर स्टोर के लिए 11 पदों की वैकेंसी है, जिसके लिए आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, जिसके लिए डिग्री सर्टिफिकेट की जरूरत है यह रिलेवेंट डिसिप्लिन में। तो स्टोर कीपर के लिए यहां पे आप ग्रेजुएट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। रेडियो मैकेनिक्स की बात कर ले दोस्तों, तो यहां पे मैट्रिकुलेशन और ITI कर रखे उन सभी छात्रों के लिए आवेदन करने के योग्य है, तो आवेदन जरूर कीजिएगा। इसके बारे में सारा डिटेल हम बताएंगे वीडियो के माध्यम से। 4 पदों की ये वैकेंसी है जिसके लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो भी छात्र यहाँ पर लैब असिस्टेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर पोस्ट की क्राइटेरिया जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो 12वीं पास प्लस ITI होना चाहिए उनके रिलेवेंट सेट डिसिप्लिन में। इनफैक्ट मल्टी स्किल्ड वर्कर की भी वैकेंसी यहाँ पर 100 पदों की सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर है, यह जिसके लिए 10वीं पास छात्र आवेदन कर सकता है। बिल्कुल मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए 100 छात्रों की जरूरत है यहाँ पे, और मैट्रिकुलेशन पास है तो आवेदन जरूर कर सकते हैं आप। यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। या मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर का भी पोस्ट है यहाँ पे, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 150 पदों के लिए, अगर आपने मैट्रिक पास कर रखा है तो, और ITI कुछ रिलेवेंट ट्रेड्स में अगर आपने कर रखे हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑल्सो। स्टोर कीपर की वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट की, तो यहाँ भी आप 150 पदों की वैकेंसी है, जिसके लिए 12वीं पास आपका होना अनिवार्य है दोस्तों। जी हाँ, आपको स्टोर कीपिंग का नॉलेज भी होना चाहिए इसके साथ साथ। तो ये तो अपडेट हो गए दोस्तों, जो कि मैंने आपको इन सभी के बारे में बताया कितनी वैकेंसी है टोटल। अगर हम बात कर ले तो ये 459 पदों की ये टोटल वैकेंसी है दोस्तों, जिसके लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे दोस्तों इन सभी के अपडेट के बारे में, तो हम चर्चा करेंगे दोस्तों यहाँ पर। जी हाँ, देख सकते हैं इसके एज क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले दोस्तों एज क्राइटेरिया के लिए, तो आप एज क्राइटेरिया में मिनिमम एज आपका 18 साल का होना अनिवार्य है। और अगर सीरियल वाइज हम यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे जो भी वैकेंसीज है जिसके बारे में अभी हमने अपडेट किया, तो सीरियल 1, 2, 3, 4 के लिए और 7 के लिए जो मिनिमम एज है आपका 27 साल मांगा गया है, ठीक है। और मैक्सिमम एज आपका 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग द सीरियल नंबर दोस्तों 5 और 6 को लेकर। ये एज रिलेशन को लेकर आपका यहाँ पर एज में रिलेशन भी दिया जाएगा अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, एज पर द गवर्नमेंट रूल ऑफ इंडिया, तो ये इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे चर्चा करेंगे कुछ अदर पार्ट की, जो कि नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है दोस्तों 18 फरवरी को, लेकिन लास्ट डेट है अप्लाई करने का इस डेट से 45 दिन तक, यानी कि 45 दिन के भीतर आपको इसके लिए आवेदन भी जरूर कर लेना होगा। लास्ट डेट फॉर दोस्तों यहाँ पे रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर द रिमोट एरियाज के लिए 60 दिन दिया गया है, या 60 दिन तक जैसे अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो उसके लिए है। तो ये एक छोटा सा अपडेट है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में जरूर रखेंगे दोस्तों। चर्चा करेंगे फीस सेक्शन की, यहाँ पे आप इसके लिए 50 रुपये से लेकर, जी हाँ दोस्तों, नहीं यानी कि नील रुपए तक भी आवेदन कर सकते हैं। ये कैटेगरी वाइज है, जनरल EWS और एक सर्विसमैन के लिए 50 रुपये का फीस चार्ज लगेगा, जो अदर बैकवर्ड कास्ट क्लास से हैं उनको 50 रुपये चार्ज लिया जाएगा, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हैं या PWD से हैं उनका कोई भी यहाँ पे फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है दोस्तों। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप सारी चीजें अपडेट भी देख सकते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों ये सारी अपडेट यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट नोटिस के जरिए बताया है, लेकिन अब मैं आपको लेकर चलूंगा दोस्तों कहाँ, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे इसके बारे में सारा डिटेल आपको यहाँ से मैं बता सकूँ, ताकि आप इसके बारे में सारी जानकारी अप टू डेट हो सके दोस्तों। जी हाँ, लेकर चलते हैं आपको इस सबके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों, सबसे पहले तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप देख पा रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन भी मैंने डाउनलोड कर रखा है, जो कि आपको मैं इसके बारे में सारा डिटेल अभी बता रहा था दोस्तों। इसके बारे में और भी डिटेल है जो कि आपको जानना जरूरी है, जैसे कि कुछ सेक्टर है आईटीआई वाले जिसके लिए आप आवेदन करेंगे, उसमें कौन कौन से सेक्टर में आपका आईटीआई होना चाहिए, डिसिप्लिन में मतलब, तो आप वो देख सकते हैं यहाँ पर आकर। ये एक फॉर्म फॉर्मेट है जो कि आपको भरना होगा, इस फॉर्म फॉर्मेट को, जहाँ पे नाम और नेम ऑफ पोस्ट आपको देना होगा, किस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं, एक फोटो यहाँ पे पिन करना होगा आपको, और सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देना होगा, सीरियल 156 कौन से सीरियल के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप। अच्छा, ग्रीन्स यहाँ पे ग्रीफ सेंटर है आपका पुणे रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, और पुणे में ही आपका ये जॉब प्रोफाइल दिया जाएगा जॉब करने को, ध्यान रखेंगे इसका भी। कैटेगरी कौन सी है, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं ये बताना है, वेट क्या है आपका, अच्छा वेटेज मार्क्स क्या है आपका ये बताना है, सॉरी यहाँ पर है ना, और 10th में 12th में और आईटीआई में ये बताना आपको यहाँ पे, ये सारी चीजें। अपना नाम देना है नेम ऑफ द ब्लॉक कैपिटल लेटर में, जो कि आपने मैट्रिक में अपना नाम दे रखा है, फादर नेम भी वही मैट्रिक वाला ही देना है, और डेट ऑफ यहाँ पे बर्थ बताना है आपको, डेट मंथ और ईयर के रूप में दोस्तों। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दे देना है, और इस सेक्शन में परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस भी देना है, अगर सेम है तो दोनों सेम कर लीजिएगा, ओके। और दोस्तों यहाँ पे अप्लीकेशन फीस, नेम ऑफ द बैंक, इस बैंक के जरिए चालान काट रहे हैं, या फिर ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस, जो भी आपका पेमेंट होगा ऑनलाइन उसका रेफरेंस यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद ट्रांजेक्शन डेट भी यहाँ पे देना होगा, किस दिन का आप पैसा कटा रहे हैं यहाँ पे, मतलब किस दिन पेमेंट कर रहे हैं ये भी ध्यान रखिएगा। अमाउंट कितना पे किए हैं, 50 रुपये या नील, ये भी बताना आपको, अगर आप कैटेगरी में है तो नील दीजिएगा, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा दोस्तों। इन सभी के लिए यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट क्या क्या होना चाहिए देख सकते हैं, अगर आप सन ऑफ एक्स सर्विस मैन है यस कीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा इस पर नोट करके, है ना, और नहीं है तो नो कर लीजिएगा, ये सारी चीजें आप यस नो में यहाँ पे जवाब दे सकते हैं, अगर आपके पास ये सारे सर्टिफिकेशन हैं तो, ओके ओके। यहाँ पर ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपको अपने बारे में बताना होगा दोस्तों, 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक का अपडेट आप दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं 26 साल तक के भरने वाले, तो ग्रेजुएशन वाले भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे, तो अपना सारा डिटेल यहाँ पे बिल्कुल भरिएगा, आपको रिलैक्सेशन भी जरूर मिला जाएगा यहाँ पर, प्रेफरेंस भी जरूर मिलेगा आपको यहाँ पे एक्चुअली। तो टेक्निकल एजुकेशन जहाँ पे पार्ट बी में भरना है, अगर आपने कर रखा है तो उसका नाम, बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का नाम, कितने मार्क्स आए हैं, मतलब बी बीटेक कर रखे हैं तो उसकी बात हो रही है, ओके। नहीं कीजिएगा तो छोड़ दीजिएगा यहाँ पे, नहीं किए हैं तो, ओके। अब यहाँ पे कुछ पोस्ट ड्राइवर के हैं, तो इसके लिए LMB का आपके पास डेट ऑफ इशू और इशू अथॉरिटी, जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके बारे में सारा डिटेल यहाँ बताना होगा पैरा नंबर 17 में। उसके बाद दोस्तों टोटल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है कहीं से तो जरूर बताइएगा, उसका प्रेफरेंस आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फिर अप्लाई करने के बाद एक डिक्लेरेशन साइन करना होगा, डेट प्लेस लेफ्ट थंब कैब्रेशन और सिग्नेचर यहाँ पे देकर फाइनली इसको, जी हाँ दोस्तों क्या करना है, तो इस एडमिट कार्ड के साथ इसको भेज देना है, मतलब आपका ये एडमिट कार्ड जो है इसमें फोटो चिपका के भेजना है आपको, ठीक है, फॉर द ऑफिशियल यूज, यहाँ फोटो अपना चिपका लीजिएगा, ये जो है आपका ऑफिशियल यूज के थ्रू यहाँ पे मुहर लग के आपके पास भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भरनी होंगी, है ना, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे बताया जाएगा आपको कि कब क्या होगा, आपका टेस्ट वगैरह कब होगा, इन सब के बारे में, ओके। तो ये बहुत ही बड़ा एक नोटिफिकेशन है जिसके बारे में आप देख सकते हैं। अब पोस्ट वाइज देखा जाए तो सैलरी की बात कर ले, तो 7 CPC की सैलरी है यहाँ पर, 29,200 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो सकती है, एज क्राइटेरिया 18-27 मैंने जो कि बताया है ड्रॉपमेंट के लिए, ओके। पोस्ट नंबर 2 की बात कर ले तो 7 CPC के तहत लेवल 4 कहीं यहाँ भी पोस्ट है, 25,500 से सैलरी स्टार्ट हो सकती है आपकी। सुपरवाइजर स्टोर की वैकेंसी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको, जी हाँ दोस्तों आप इसको देख भी सकते हैं, अगर आपके पास ये सारे क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई जरूर कीजिएगा, ओके। यहाँ पे दोस्तों देखिए, आप अप्लाई करने से पहले क्वालिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जो भी आपका होना चाहिए डिग्री कहीं से भी, लेकिन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अगर आपने दोस्तों सर्टिफिकेशन कर रखा है मटेरियल मैनेजमेंट में तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है यहाँ पर, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी, अगर आपके पास इंजीनियरिंग स्टोर हैंडल करने का एक्सपीरियंस है देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट, यहाँ पे आपको इसका फायदा मिल सकेगा दोस्तों। पोस्ट नंबर 3 की बात कर ले तो लेवल 4 की वैकेंसी है यहाँ पर, पे स्केल है 25,500 की सैलरी यहाँ भी आपको मिलेगी, 18-27 साल तक का एज क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिकुलेशन का मांगा गया है, तो मैट्रिक वाले छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे,
अगर आपने रेडियो मैकेनिक्स और सर्टिफिकेशन किया है आईटीआई में तो आप इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपने डिफेंस ट्रेड में भी सर्टिफिकेशन कर रखा है तो अप्लाई कीजिएगा, आपको प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। 2 साल का एक्सपीरियंस रेडियो टेक्नोलॉजी में मांगा गया है दोस्तों। अगर हम बात कर ले अदर पोस्ट की तो पोस्ट नंबर 4 है यहाँ पे, लेवल पे 3rd है यहाँ पे, लेकिन 21,700 की सैलरी मिलेगी। बिटवीन द एज आपका होना चाहिए 18 से 27 साल का। लेबोरेटरी असिस्टेंट का ये पोस्ट है दोस्तों। 12वीं पास छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे, लेकिन अगर आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट इशूड है यहाँ आईटीआई के द्वारा तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन में मांगा गया है, अनिवार्य है। ठीक है, तो ही आप इसके लिए आवेदन करेंगे। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट है अगर आपके पास इन सभी ट्रेड में तो आप जरूर आवेदन करें, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकता है दोस्तों। 5वां पोस्ट है मल्टी स्किल्ड वर्कर का, तो यहाँ पे सिर्फ पे लेवल स्किल 1 का है। 18,000 की सैलरी मिलेगी आपको। 18 से 25 साल तक का एज क्राइटेरिया है। मैट्रिकुलेशन वाले छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, इसके लिए आपके पास एक आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एनसीटीई के द्वारा ये अपडेटेड होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा किसी भी ट्रेड में हो चलेगा यहाँ पर। पोस्ट नंबर 6 की बात करते हैं तो लेवल 1 का ही पोस्ट है। 18,000 की वैकेंसी और सॉरी 18,000 का पे स्केल है और एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल का है और क्वालिफिकेशन यहाँ भी मैट्रिकुलेशन का मांगा गया है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट रखते हैं मैकेनिक मोटर्स व्हीकल या ट्रैक्टर की, जिसमें कि आपने आईटीआई कर रखा है इन सभी डिसिप्लिन में, देन यू कैन अप्लाई। आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंस जरूर दिया जाएगा दोस्तों। अगर आपके पास 2 साल का कोर्स है ड्राइवर का प्लांट में या फिर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए तो आप आवेदन जरूर कीजिएगा यहाँ पर। इसके लिए भी आपको यहाँ प्रेफरेंस मिल सकता है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये वैकेंसी जो निकाली गई है उसमें एक पोस्ट और है, लेवल 2 का ये वैकेंसी है दोस्तों। पे स्केल मिलेगा 19,900 की सैलरी मिलेगी। 10+2 की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है दोस्तों। जो भी छात्र कर रखे हैं आवेदन करिएगा, लेकिन आपके पास स्टोर कीपिंग का नॉलेज भी होना चाहिए टू द व्हीकल और द इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, इन सभी के लिए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कीजिएगा, इसके लिए आपको प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से ये सारे अपडेट मैंने आपको दिए हैं, इन सब के लिए जो है कौन से ग्रुप की ये पोस्ट है, कौन से वैकेंसी है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, देख सकते हैं। जिसके लिए आपको ट्रेड में मिनिमम 40% का रिक्वायर किस किस में मांगा गया है, तो ये मांगा गया है दोस्तों लेबोरेटरी असिस्टेंट में सिर्फ 25 मार्क्स मिल सकते हैं वहां पे आपको। उसके अलावा दोस्तों एमएसडब्ल्यू मानसून में जो कि 30 मार्क्स मिल सकते हैं यहाँ पर, अगर आपके पास 40% रिक्वायर क्वालिफाई है इसमें तो ये सारे क्राइटेरिया है दोस्तों। इसके लिए जब आपका एग्जाम पैटर्न होगा तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अप्लाई करने का जो लिंक है मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके एक झलक जरूर देख लीजिएगा और अप्लाई भी जरूर कर लीजिएगा। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी आप जाके सारी चीजें अपडेट हो सकते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको यहाँ से सारी डिटेल जो कि एक मतलब अप्लाई करने के तरीके से बताया है, तो आप इसको देखें, समझें, पढ़ें अच्छे से और इसको अप्लाई भी जरूर करें। 459 पदों की ये टोटल वैकेंसी है जिसके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, यहाँ से सारे अपडेट आपको दिए जाएंगे दोस्तों हमारे चैनल के इस माध्यम से दोस्तों। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आवेदन करने से पहले एक बार पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए, कैसे अप्लाई करना है ये पैरा नंबर 5 में आप बताया गया है, सारा डिटेल एक एक करके पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। लास्ट डेट आपको मैंने बताया है अप्लाई करने का, यहाँ पे 45 दिन है, ठीक है। अगर आप रूरल एरिया में हैं तो 60 दिन तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ से जो अपडेट मैंने दिए हैं दोस्तों आपको, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अन्यथा इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।